और इसी के साथ ही ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर दिया गया है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, हाइप भी करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आपको बहुत कर दिए भाई साहब। अरे इधर से तो दिखता भी नहीं, सब बंद कर दिए इधर। देवी इतना मतलब हवा चल रही है बाहर फैन का, तो अभी खाते फटाफट से। बट आज वो जिम गया नहीं तो इसके लिए मैंने मौके पे चौका मारा कि चलो बाहर का खाते, और उसको ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस खाने का। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है चल के मस्ती भरी दुनिया में। सो दोस्तों मॉर्निंग हो चुका है, सुबह के बज गए 8:10 और आज मैं जिम नहीं गया तो मैं लास्ट फास्ट बोलूंगा आज। तो इधर ये देख रहे हो आप गद्दा, वो धुलने के लिए रखा है, मतलब धुला हुआ था तो सूख रहा है, थोड़ा गीला है तो सूख रहा है। और आज खाने में है ओट्स, ब्लैक कॉफी और जर्सी ने बनाया कुसुम रोल, जो इंडियन कुसुम रोल है, जर्सी का रेसिपी है ये। आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट करना, तो हम लोग आपको रेसिपी देंगे। और वहाँ पे जर्सी भी है। जर्सी क्या कर रही है, गैस पोछिया पोछी घर साफ सफाई कर रही है, मतलब गैस वस पोछ रही है, प्लेटफॉर्म पोछ रही है किचन का। तो दोस्तों आज जिम में गया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शोल्डर में भी पेन है, पता नहीं क्यों, शायद शोल्डर कल मारा था इसके लिए। तो चलो दोस्तों अभी नाश्ता कर लेते फटाफट से और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो मिलते हैं आगे। लफड़ा जाने का लफड़ा हो गया भाई साहब। आर यू कॉमेडी मी? भाई साहब लफड़ा लफड़ा काय तरी लफड़ा झाला रे बाबा। ऐसे ही लफड़ा चालू ही लगता है बाप। सो दोस्तों दोपहर हो गई थी और मैं आ गया था ऑफिस, क्लिप नहीं लिया क्योंकि मेरे को आते आते लेट हो गया था क्योंकि ट्रेन का बहुत लफड़ा चल रहा है दो दिन से। और यहाँ पे बनोड़ी जैसी, अरे एक पैर ही नहीं है उसको, बाप रे किधर भाग गई, बुरा लगा। एक पैर ही नहीं हो बिल्ली को। और यहाँ पे देखो दोस्तों ये है गार्डन पूरा, जो मैं बोलते रहता पार्क पार्क, ये देखो पार्क, वो देखो उधर टाइम पास कर रहे हो लोग, वो उधर बिल्ली है, अभी आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखो दिखाता हूँ, देखो ये कुछ तो ढूंढ रही है, पकड़ो इसको पकड़ो। तो चलो अभी टाइम पास करते हैं और थोड़ा फिर मिलते हैं आपको आगे। सो दोस्तों आज बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है, देखो बिल्डिंग भी नहीं दिख रही सामने, कितनी बारिश मस्त बारिश जबरदस्त। अभी ट्रेन का भी ऐसा पता है नहीं, ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, इंडिकेटर पे लगा है बट लेट चल रही है ट्रेन। ऑलरेडी 9:50 का है अपना, 6:50 के ऊपर हो गया है बट अभी ट्रेन का कुछ ज़्यादा पता नहीं। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे। आवाज़ सुन रहे हो बैकग्राउंड में, अब बारिश बहुत जोरों से हो रही, आवाज सुन लो, बारिश इतनी हो रही है ना आजकल तो अलग ही हो गया है, रोज रात को बारिश होती है। और अभी तो ये आज तो मतलब 4 बजे से बारिश हो रहा था और 4 बजे तो उजाला रहना चाहिए, दोपहर का टाइम ऐसा लगा था कि 7 बज गए, मतलब इतना डल हो गया था, इतना अंधेरा था, बस हवा निकल गई। एंड मैं भी आज पूरे दिन क्लिप्स नहीं ले पाई गई क्योंकि एक तो मेरी तबीयत वापस से खराब हो गई, पता नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से मेरा सर एकदम जोर जोर से दुख रहा है, सर्दी जैसा वापस से लग रहा है, बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है क्योंकि ठंडी एकदम बहुत ज़्यादा हो रखी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और बारिश अभी भी हो रही है बहुत ज़ोरों से, बिजली भी खनक रही है, आई भी कैमरा में कैप्चर हुआ नहीं बट बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। अज्जू तो पूरा भीग गया एंड अभी किसका फ़ोन आ रहा है, कैंडिडेट्स के फ़ोन, सॉरी आफ्टर ऑफिस आवर्स नो फोन्स। सो आज घर पे खाना नहीं बन रहा है क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं है, तो मैंने अज्जू को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग बाहर का खाना खा लेते क्योंकि वो जल्दी मानता नहीं है बाहर का खाना खाने के लिए क्योंकि उसका जिम चालू है, बट आज वो जिम गया नहीं तो इसके लिए मैंने मौके पे चौका मारा कि चलो बाहर का खाते, और उसको ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो मैंने पहले सोचा डिसाइड किया था कि घर पे खाएंगे, घर पे ऑनलाइन मंगाएंगे, फिर बाद में मैंने बोला कि क्यों ना हम लोग ही डायरेक्टली बाहर जाके खाना खाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि हम लोग रेस्टोरेंट में नहीं गए खाना खाने के लिए एक साथ क्योंकि घर शिफ्टिंग वगैरह और ये सब चीज़ों में हम लोग बिजी थे तो जा नहीं पाए। तो अभी मतलब गए भी रहेंगे बीच में तो मेरे को अभी बरोबर याद भी नहीं आ रहा है, बट आज हम लोग जाएंगे एंड वो भीग भी गया है तो मैंने उसको बोला भी था कि डायरेक्ट पहुँचते ही घर आना, नहा के गर्म पानी से मस्त नहा के फिर हम लोग जाएंगे, बट अब लेट्स सी कि
प्लान चेंज होता है कि नहीं, और बारिश भी रुक नहीं रही है और बिजली बहुत जोर से कनक रही है। पता है जैसे मैं मोबाइल का कैमरा ए साइड घुमा रही हूँ ना, वैसे बिजली उधर से कनक रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। अभी ना पर्पल पर्पल इतना जोर जोर से ना, इतने को बिजली से बहुत डर लगता है। अभी पता नहीं, अब देखते हैं अज्जू जब मीरा रोड पहुंचेगा तो फिर क्या प्लान बन पाता है हमारा, कि हम लोग सही में बाहर ही जाके खा रहे हैं या घर पे ऑनलाइन मंगाएंगे, या अज्जू आते आते बाहर से ही लेके आएगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा सी हो रही है। और ऐसा ना हो कि हम लोग भीग जाए और फिर बीमार हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि जॉब भी है। और ऐसा भी नहीं कि कल संडे है, तो अभी देखते हैं। अज्जू तो अभी ट्रेन में है और एक आधे घंटे में पहुँच जाएगा, फिर देखते हैं आगे का प्लान और कैसा होता है एंड क्या होता है। हाँ ये कर लो पहले। बहुत कर दिए भाई साहब, अरे इधर से तो दिखता भी नहीं, सब बंद कर दिए इधर। बाप रे, आज काका इन लोग इधर बैठे। आजा आंद्री, सब आज सब इधर उधर बैठ गए, बैग सीधा कर देते। रखो 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 रखो, डाल दो डाल दो डाल दो। अरे बाप, तो दोस्तों मैं घर पे आ चुका हूँ और सब गद्दे वद्दे इधर पड़े पड़े हैं, सब भाई सूख ही नहीं रहा है क्योंकि दो दिन से कंटिन्यू एकदम दबा के बारिश हो रही है। और मुंबई में हाई अलर्ट कर दिया है कि दो चार दिन टोटल, तो दो दिन तो अभी हो गए, कल भी हाई अलर्ट है, परसों भी हाई अलर्ट है। ऐसा ही बारिश रहेगा तो बाप रे काम पे कैसे जाएंगे भाई साहब, पर जाना पड़ेगा, काम तो जाना पड़ेगा। और अभी जॉयसी भी फ्रेश फ्रेश हो रही है और मैं फ्रेश हो गया हूँ, नहा लिया हूँ मैं, तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, मतलब डिनर पे, डिनर डेट बारिश में। ये जॉयसी जानबूझ के मेरे को बोल बोल के करवाई है, मैं बोल रहा था घर पे कुछ बना, बट ये नहीं समझ रही थी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ऐसा ही सब हुआ था दोस्तों। तुमने हाँ बोल दी, मैं तो सोच रहा था ना बोलने के लिए, बट मैं बोला जाने दे छोड़, गरीब 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 लड़की एक बार बोली है, तो मैं बोला चलो चलते, तो इसके लिए मैं बोला चलो चलते आज। तो चलो दोस्तों अभी फटाफट से निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपको आगे, दिखाते हैं और क्या क्या करते हैं हम, तो बने रहो। चिल्ली और यहाँ पे चॉइसी भी बैठ गई है, बहुत दिन बाद फाइनली ठंडा हो जाएगा भाई ग्रेवी, इतना मतलब हवा चल रही है बाहर फैन का, तो अभी खाते हैं फटाफट से। बहुत दिन बाद, कितना साल बाद, एक साल बाद, तीन महीने बाद दोस्तों हम लोग आए, तो चलो अभी खा लेते हैं फटाफट से और फिर मिलते हैं। सो दोस्तों हम लोग आए थे बुरहानपुर जलेबी लेने, ट्राई कर रहा है, अच्छा लगा, स्मेल आ रहा है। हाँ भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, 50 का करना है भाई, हाँ पूरा भीग गए, हालत खराब है। फेवरेट था क्या, बंद कर दिया या बहुत रहेगा, रहता रहेगा, चलो अभी ले लेते हैं, पेमेंट कर दिया भैया। तो दोस्तों हम लोग खाना वाना खा के आ चुके हैं, जॉयसी क्या बोल रही थी तुम बताओ। मैं अभी जब तक बारिश परमानेंट इस्तीफा नहीं दे देते ना, तब तक मैं इस्तीफा दे दे देगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, छोटी बच्ची हो क्या, कितना पानी भर गया भाई साहब, पूरा मीरा रोड भर चुका है भाई, इतना पानी हम लोग लिए नहीं ब्लॉग में, तो दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी हम लोगों ने जलेबी भी लिया है दोस्तों, जलेबी खाएंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा है मेरे ख्याल से, पर जैसी अभी बड़ा करेगी, मैं क्लिप्स ले नहीं पाई ज्यादा, तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बताया ना आप लोगों को, और पीछे कपड़ा पूरा कपड़ा पूरा हमारा, घर हमारा, और वो गद्दा सूख नहीं रहा है भाई, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ, भरा भरा सूख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसको, बीमारी हम लोग को लेटी भी नहीं होता है, दो जन चटाई डाल के ऊपर लेटी भी, तो ऐसा लग रहा है कि पानी बस अभी ऊपर ही आ ही रहा है, बस मैं वाटर में फ्लोट कर रही, क्या बात, इतना वो ये था, अभी सूख जाएगा, मम्मी बोली थी मत लेके, गलती किया भाई साहब, मैं लेके आके ना उसको गलती किया, और सब जगह कपड़े फैले हुए भाई साहब, इधर एक चद्दर था वो भी कल मैं धुल दिया था कि बारिश अभी नहीं होगा, थोड़ा खुला करो हवा आने दो, कि कल बारिश नहीं होगा भाई साहब, मतलब बारिश अभी तो खत्म हो रहा है ऐसा, तो धुल दिया, घंटा खत्म हुआ बारिश, आज तो पूरा सैलाब आ गया है मुंबई में भाई साहब। जैसे तुमको कैसा लग रहा है आज, मेरे को एकदम अजीब लग रहा है, मेरे को वापस से वो बेचैनी चालू हो गई है, किस चीज की, उल्टी क्या बात कर रही, तुम जलेबी खाऊंगी,
तो दोस्तों अभी हम लोग जलाबा खाएंगे, जलेबी नहीं जलाबा। अभी ऑफिस के ग्रुप में भी मैसेज आया था, पूरा वीडियो भेजा उधर का कुरला का, बाप रे पूरा भर गया है। मैं सोच रहा हूँ ना आप लोग को दिखाऊं, वो ब्लॉग में डाल सकते हैं ना वीडियो। हाँ। तो आप लोग को दिखाता हूँ, देखो आगे क्लिप। हाँ, जलेबी खा के मजा ही आया, कैसा लगा था? मैं ये जलेबी ना अलग ही है, बुरहानपुर की जलेबी। दोस्तों बुरहानपुर की जलेबी जो नया नगर में मिलता है शाम मस्जिद के पास, हाँ हाँ हाँ, पूरे नया नगर में मेरे ख्याल से वही एक जलेबी बेचता है। हाँ। और बहुत टाइम से जलेबी, हाँ वो तो स्टेशन के पास है, और वो जो है वहाँ पे नया नगर सुपर डेयरी के ऑपोजिट। हाँ, वो जलेबी जब से बनाना चालू किया है, मतलब जब से आया ना दोस्तों तब से उसका चलता है। एक अंकल आया 300 रुपए का लेके गया, एक अंकल आए दही वड़ा लेके गए 10 दही वड़ा, का बाप रे 30 रुपए का एक दही वड़ा। तो चलो अभी खा लेते हैं। कल किसी का दी ब्लॉग को यहीं पे खत्म कर देगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, हाइप भी करना और बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हाइप भी दबाते रहना अगर आपको हमारे ऑप्शन में दिखेगा हमारे वीडियो में तो हाइप को भी। अभी तक आया नहीं हो ऑप्शन, जब आएगा तो जब आएगा दोस्तों तभी एक भी सौर में खाऊंगा। और आप लोग को वो क्लिप भी देखा आप लोग ने जो मैं अभी डालूंगा, कुरला का हालत क्या हुआ आज रात में, वो ऑफिस के ग्रुप में भेजा था तो वही दिखाता हूँ आपको देखना। और चलो दोस्तों ये ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे कल और एक नए ब्लॉग के साथ, आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा था, कल हम लोग बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह। Okay.